नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। दमोह के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं के हिजाब पहनी तस्वीर के ने फिर सियासी पारा हाई कर दिया। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया, संचालक इसे स्कार्फ बता रहे हैं। फौरी कार्रवाई में क्लीन चिट देने के बाद अब प्रशासन ने जांच कमेटी बना दी। सभी पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। दमोह के एक निजी स्कूल की टॉपर छात्राओं के पोस्टर पर बवंडर खड़ा हो गया। दरअसल पोस्टर में मौजूद हिंदू स्कूली छात्राएं भी हिजाब पहने नजर आ रही हैं। हालांकि स्कूल संचालक इसे स्कार्फ करार दे रहे हैं, जिसे स्कूल का ड्रेस कोड बताया जा रहा है, तो पोस्टर में दिख रही स्कूली छात्रा और उसकी मां भी इसी बात को दोहराती हैं। और ये बच्चों को जो पहनाया जाता है स्कूल में, ये उनके मतलब सीना तक रहता है, इसे स्कार्फ कहते हैं। ये स्कार्फ है, हिजाब नहीं। ये क्या ड्रेस कोड है? देखिए, ये ड्रेस कोड है, स्कूल प्रबंधन कमेटी ने जो है इसे मतलब है बनाया, और जब से लागू है। सलवार सूट और स्कार्फ तो वो हम कभी लगा के चले जाते थे, कभी नहीं, कभी हमारे ऊपर कभी दबाव नहीं डाला गया कि आपको लगा कराना जरूरी है। कौन से कलर के ड्रेस है यहाँ पे पूरी? ये हमारा व्हाइट कलर का कुर्ता है चेक वाला, ब्राउन कलर की सलवार है और वो ब्राउन कलर का स्कार्फ है। प्रार्थना तो वो ऐसी कि जैसे हम अपने स्कूल में सरस्वती वंदना करवाते हैं, तो वो करवाते अपनी, और जनगण उनका उनके भी यहाँ होता है जनगणमन। पेयर में तो हम लोगों ने ऐसा कभी दिमाग में ध्यान में नहीं दिया कि पेयर है तो होने दो ऐसे, और यदि अब आा गया है ध्यान में तो अपन कह सकते हैं कि वो सरस्वती वंदना है स्कूल में मान्य, तो आप सरस्वती वंदना करवाओ। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जांच के आदेश के बाद दमोह कलेक्टर भी जांच कराने की बात कहते हैं। उसकी जांच कराई है, प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे, उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। नहीं देखिए, कोई शासन की तरफ से या कोई ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसे तो टाई पहननी जाती है, स्कार्फ में इस मामले में अपने तरफ से कोई मेरा पक्ष नहीं है, बट अगर कोई नियम का वॉयलेशन हुआ होगा तो हम इसमें कार्रवाई करेंगे। हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने के कथित मामले में एक तरफ हिंदू संगठन लामबंद हो गए, तो दूसरी ओर बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान ले लिया। हाल ही में एक शिक्षण संस्थान में सौरभ से सलीम बनने का मामला सामने आया था। अब कहीं ये छात्राओं का धीरे धीरे माइंड वॉश करने का मामला तो नहीं? दमोह से आशीष जैन, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दमोह के निजी स्कूल में यह मामला तब गर्मा गया, दरअसल स्कूल के बाहर यह पोस्टर लगाया गया था और पोस्टर में टॉपर्स की लिस्ट है, जिन छात्राओं ने बेहतर नतीजे दिए हैं उन छात्राओं की तस्वीरें, और इनमें हिंदू छात्राएं भी हैं, और इन हिंदू छात्राओं के चेहरे पर भी जो संचालक इसे स्कार्फ बता रहे हैं, और तस्वीरों में जो दावा किया जा रहा है सामान्य तौर पर कि ये हिजाब है। हम अपने गेस्टों के पास चलेंगे, चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है चैतन्य भट्ट जी आपका चर्चा में, और भूपेंद्र गुप्ता जी उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र गुप्ता जी चर्चा में, और बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा जी। मामला अगर से दोता है, ठीक है, जांच हो रही है, जांच का आदेश भी दे दिया, हालांकि शुरुआत में प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी थी फौरी जांच के बाद, अब गृहमंत्री के आदेश के बाद जांच के लिए कमेटी बनाई गई। अगर सिद्ध होता है मामला पंकज जी, तो फिर क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं होगा? क्या लोकल इंटेलिजेंस की ये भूमिका नहीं है क्या कि वो क्या चल रहा है आसपास क्षेत्र में, सिस्टम में उसकी जानकारी रखे, उसका फेलियर नहीं होगा क्या ये? देखिए प्रशांत जी, पहले तो कहीं इस मामले में कोई क्लीन चिट नहीं है, नंबर एक। गृह मंत्री जी ने भी कहा, और अभी शाम को जो वहां के कलेक्टर हैं मयंक जी, उन्होंने कमेटी बनाई है, उसमें तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, डीपीसी जिनको हम कहते हैं शिक्षा के, वो और नगर पालिका के अधिकारी। माफी के साथ टोक रहा हूँ, अपनी पूरी बात रखिएगा, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि कोई क्लीन चिट नहीं दी गई, कलेक्टर, दमोह कलेक्टर पहले ट्वीट के जरिए ये साफ करते हैं कि फौरी तौर पर जांच कर ली गई है, सर, ये अफवाहें फैलाई जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं जी। मैं उसी बात कर रहा था, मैं वही तो बात गृह मंत्री जी ने कहा कि परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जिस प्रकार के जैसे परिजनों से आपके चैनल से बातचीत थी जी, तो मेरा प्रशांत जी इतना सा आग्रह कि मध्य प्रदेश की भूमि पर लव जिहाद जैसे दूषित मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं,
और सरकार बहुत कृष्ण करो प्रतिबद्ध है कि जो जबरिया धर्मांतरण की या षड्यंत्र पूर्वक धर्मांतरण की जो योजना है, इस योजना पर किसी को भी मध्य प्रदेश में काम नहीं करने दिया जाएगा। और इसीलिए एक जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी के बाद यह तय पाया जाएगा कि गंगा जमुना स्कूल के नाम पर यदि कोई दूसरा कृत्य है उसके लिए, जैसा आपने कहा कि बाल संरक्षण आयोग वो भी जांच कर रहा है, सरकार की एक समिति बनी जांच करेंगे, और जांच करके यदि कोई दोषी पाया जाता है उसको नहीं बख्शेंगे। जहां तक आपने बात करी प्रशासन की व्यवस्था का दोष का, तो वो प्रशांत जी वो भी जांच का भाग होगा कि क्या ऐसी स्थितियां बनी, क्योंकि जैसा आपने खुद उल्लेख किया कि विदिशा में भी एक ऐसा घटनाक्रम था कि जहां स्कूल में किस प्रकार के कृत्य थे और एक धर्मस्थल विशेष के रूप में उसको विकसित करने की योजना थी। तो जहां कहीं भी प्रशांत जी षड्यंत्र का विषय है, मानसिकता दूषित जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं मैलाफाइड इंटेंशन है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी बनी है, जांच के उपरांत जो भी दोषी होगा स्कूल के संचालक या प्रशासन के स्तर पर कोई लापरवाही होगी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक बात है। चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस का वर्जन भी इस मसले पर आया। कांग्रेस कहती है भाई जब परिजनों को दिक्कत नहीं है तो फिर भाई क्यों इस मामले को बढ़ाया जा रहा है, अगर परिजनों को दिक्कत नहीं तो क्या ऐसे मामलों को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए परिजन तो आपके कैमरे पर बोल रहे हैं, ये नहीं, बिल्कुल हमने वर्जन भी दिखाया है। सुन लीजिए मेरी बात, मुझे करने दें। बच्चे कह रहे हैं कि ये हम स्कार्फ है हमारा ब्राउन कलर का, हम ये ड्रेस पहनते हैं, और आज तक हमारा ध्यान ही नहीं गया इस पर कि ये स्कार्फ से ऐसी फोटो दिखेगी, ये बच्चे भी कह रहे हैं। इसके बाद जो है खुद मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने प्राथमिक जांच कराई थी उसमें कुछ नहीं पाया गया और वो जो है बात समाप्त हो गई थी, लेकिन जब ये पोस्टर आया तो हमने इसकी फिर से जांच के आदेश दे दिए। इसका मतलब है कि आप जो है एक सवाल खड़ा करने के दृष्टिकोण से और एक फैलान करने के दृष्टिकोण से इस मामले को आप तूल दे रहे हैं। ये बेचारे उन बच्चों की तस्वीरें हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है जी, जिनकी जो लोग बच्चे पढ़ाई में अव्वल हैं उनके मन को दूषित करने का ये जो षड्यंत्र केवल अपनी घिनौनी राजनीति के लिए किया जा रहा है ये उचित नहीं है। जांच अच्छी है, अच्छी बात है, जांच करे, शासन का काम है उसे जांच करना चाहिए। आखिर 20 साल से आपकी सरकार है और ये घटनाएं घट रही हैं तो ये तो आपके मुंह पर तमाचा है कि आपके रहते हुए इतने सारे काम हो रहे हैं। आज जो है मध्य प्रदेश की सरकार जी यहाँ पर हथियार बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, उन पर जवाब नहीं देती है। आप जो है अभी सलीम को पकड़ लीजिए और इनको पकड़ लीजिए, दिन भर उस पर जो है बहस करेंगे। क्या जो है मध्य प्रदेश के लिए ये शर्मनाक नहीं है? मध्य प्रदेश की सरकार को होश भी नहीं है? बाहर से आकर NIA के और दूसरे राज्यों की सरकारों को आकर यहाँ पर जो है आतंकवादियों को पकड़ना पड़ता है। रायसेन जहाँ से हमारी नाक के नीचे रायसेन में ट्रेनिंग चलती रहती है और सरकार जो है बेशर्मी से उसको बताती है, तीन तीन साल से चार चार साल से मध्य प्रदेश को तमाशा बना दिया है। ये इनकी लेबोरेटरी है फसाद के लिए, अराजकता के लिए, और उस लेबोरेटरी से कभी कोई चीज़ लीक हो जाती है, जनता के बीच आ जाती है तो ये नौटंकी करने लगते हैं, हम सख्त कानून बना देंगे, हम फांसी पे चढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो करो ना भैया जी, करने में तो आपकी हवा निकलती है, आप खुद उन तोतों को पालते हो और उनसे जो है क्या क्या बुलवाते हो। ये जो चीज़ है ये मध्य प्रदेश में अब ये स्पष्ट दिखाई देने लगी, जनता इसको समझ रही है और इसकी भी जांच करा लें, बिल्कुल कराने चाहिए, शासन का काम है। ये चार चार पाँच पाँच लाख रुपए की तनख्वाह इसीलिए हम देते हैं अपने टैक्स से कि जो है प्रदेश में अमन चैन रहे, व्यवस्था रहे, और अगर उस व्यवस्था में अफसर फेल होते हैं तो यहाँ दंड भी करना चाहिए। अकेले जो है मंच पर खड़े होकर नाटक थोड़ी करना चाहिए, यू आर सस्पेंड, ये करो। ठीक, बिल्कुल करो जांच। चलिए जांच होनी भी चाहिए, ठीक बात है, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले चैतन्य जी के पास मैं जाऊंगा। चैतन्य जी, जो छात्रा की माँ है वो कह रही कि भाई उनके धर्म की प्रार्थना भी होती थी, उनके धर्म का मतलब अख्तर साहब के धर्म का जो संचालक है अख्तर साहब, और इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी माइंड नहीं किया इस बात को, तो मतलब कुछ चल रहा है अंदर धीरे धीरे माइंड वॉश, या जिसका माइंड वॉश किया जा रहा है वो ये तो नहीं कहेगा कि भाई मेरा माइंड वॉश हो रहा है या मेरा मन बदला जा रहा है। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो उस स्कूल का नाम क्या है, उस स्कूल का नाम गंगा जमुना है, उसका संचालन कौन करता है ये भी एक पहला सवाल है कि उसका संचालन कोई मुसलमान कर रहा है या कोई हिंदू कर रहा है,
वहाँ कोई ऐसी सरस्वती वंदना होती है कि नहीं होती या दूसरे तरह की प्रार्थनाएं होती हैं? ये स्कूल कब से चल रहा है, इसमें किस तरह की पढ़ाई की जाती है, ये सारी चीजें पहले निश्चित रूप से जांच का विषय है। क्योंकि जिस तरह से जो पोस्टर लगाए गए थे और जिसमें बच्चियों के सिर पे एक स्कार्फ, जैसा कि बच्ची भी कह रहे हैं कि हमारी स्कार्फ है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि हिंदू लड़कियों के सिर पे इस पे चैतन्य साहब अपडेट अपडेट कर दूं कि इसमें मुस्लिम तो पैदा कर संचालक ही हैं इस स्कूल के, नाम भले ही गंगा जमुना हो। जी चैतन्य जी, जी हाँ, तो वो मेरा कहना का मतलब ये है कि वही देखना होगा कि अगर मुस्लिम संचालक है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे जैसा कि आपका भी कहना है कि धीरे धीरे इस तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा हो, उनको हिजाब लगाया जा रहा हो। लेकिन जब लड़कियां भी कह रही कि हमारा तो ये स्कार्फ है, हमारी स्कूल ड्रेस है, यूनिफार्म है, और उनके परिवारजनों ने भी इस तरह की कोई शिकायत से इनकार किया है, तो मुझे लगता है कि ये मामला ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं बन सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जांच की जा रही है तो जांच होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आती है। अभी हमारे जबलपुर में NI ने छापा मारा और उसमें बड़े वरिष्ठ वकील और उनका परिवार, उसके भाई और भतीजे वगैरह पकड़े गए हैं जो फंडिंग वगैरह करते थे आतंकियों की, और ये लंबे समय से चल रहा था। तो ये जो ब्रेन वॉश की स्थिति बनती है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे होती है, एकदम से ब्रेन वॉश नहीं होता है, धीरे 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 उसको उस तरह से किया जाता है और फिर ब्रेन वॉश होता है। तो वैसे तो जो नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि भाई पहली जांच जो प्रारंभिक जांच थी उसमें तो किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं दिखी गई और किसी ने कोई शिकायत भी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मामला इस तरह का है कि हिजाब का मसला है, और अभी भी वैसे भी देश में इस तरह के लव जिहाद के और हिजाब के मामले बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहे हैं, तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश जो एक शांति का टापू है जिसको कहा जाता है, जिसमें इस तरह की कोई घटनाएं कभी कभी कभार होती हैं, तो वहां अगर इस तरह की घटनाएं हुई और उस पर किसी ने कोई एक्शन संज्ञान लिया है तो उसकी जांच निश्चित तौर पे होना चाहिए और गहराई से जांच होना चाहिए। उन बच्चियों का भी बयान लिया जाना चाहिए, उनके परिवारजनों से भी बात करना चाहिए, और जिला शिक्षा अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसकी जाँच की जाए निश्चित तौर पर। कलेक्टर ने भी पहले जो ट्वीट किया था उसमें तो ये कहा था कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि शासन ने गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इसका जो मामला है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी होना भी चाहिए। पंकज जी, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी हाल ही में एजेंसियों ने खुलासा भी किया था, सौरभ से सलीम बने, वो भी कोई ऐसा नहीं था, धीरे धीरे स्वाभाविक है कि माइंड वॉश ही हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि भाई अब जो मामले सामने आ रहे हैं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर हो रही है? देखिए प्रशांत जी, मैं एक उल्लेख करना चाहता हूं कि अभी मध्य प्रदेश में जिस घटनाक्रम का आपने उल्लेख किया सौरभ सलीम वाला, उस घटनाक्रम में किसने पकड़ा इस सारे HUT के नेटवर्क को? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मध्य प्रदेश पुलिस। और NIA कोई बाहर से नहीं आती सर, NIA की एक अपनी योजना, उस योजना के तहत उसके सभी राज्यों में, जैसे राजधानी भोपाल में उसकी एक प्रॉपर वर्क स्टेशन, एक पूरी टीम है जो लोकल ATS के साथ मिलकर काम करती है, और जिसने मध्य प्रदेश में बताई कि मध्य प्रदेश में पनपने के पहले पकड़ा, चाहे HUT का नेटवर्क हो, बांग्लादेशियों का नेटवर्क हो, उसके पहले सिमी का नेटवर्क ध्वस्त किया, नक्सलियों के विषय की बात कर लीजिए, इवन डकैत तक समाप्त कर दिए। तो मेरा इतना सा आग्रह है कि NIA बाहर से नहीं आती सर, राजधानी भोपाल में उनका एक प्रॉपर वर्क स्टेशन, एक टीम है, वो उनकी नीति का हिस्सा, वो सुरक्षा नीति, आंतरिक सुरक्षा के विषय, उस पर हम नहीं जानते कि किस आधार पर ऑफिस बनाते हैं, पर भोपाल में NIA की एक प्रॉपर टीम काम कर रही है, और इस सारे घटनाक्रम में जिसका उल्लेख है सौरभ सलीम वाला, उसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मतलब पुलिस का रोल था। इस सारे घटनाक्रम पर आते हैं सर, इस घटनाक्रम में इस पोस्टर के पहले उच्च विद्यालय ने कभी ऐसा कोई पोस्टर सार्विंग नहीं किया, ना कोई शिकायत है, पर जो आपने कहा ना था ग्रेजुअली सौरभ से सलीम बनने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे थी, इतने धीरे थी कि पता ही नहीं चला, सौरभ को ही नहीं पता चला कब सलीम बन गए। तो उस विषय उसी चीज की जांच होना है सर कि क्या वाकई जो गंगा जमुना के नाम पर स्कूल चल रहा है वो गंगा जमुनी तहजीब का स्कूल है, क्योंकि सर भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर काम करते हैं। लेकिन यदि आपके मन में, यानी संचालक, स्कूल संचालक के मन में, स्कूल संचालक के पीछे कोई ऐसी संस्था हो जो इस दूषित भाव के साथ काम कर रही हो कि धीरे 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 करके मानसिकता बदली जाए, जैसा हमने चलचित्र में देखा, जैसा केरल में वास्तव में हो रहा है कि वो पढ़ी लिखी लड़कियां जो हाईली एजुकेटेड है उनको अलग प्रकार के ड्रग्स दिए जाते हैं,
ताकि वो मेंटली वीक हो जाएं, उतना स्ट्रांगली रिएक्ट ना कर सकें जैसा करना चाहिए। आप सोचिए कि जो लड़की इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, उसको हमने सबने देखा क्या वास्तविकता है, और इस केरल स्टोरी की सच को वहां के जो सीएम थे कम्युनिस्ट पार्टी के VS Sachchidanand ने उन्होंने स्वीकार किया, कांग्रेस के उमन चंडी जी ने सदन में स्वीकार करा, 7,000 परिवारों ने केरल में धर्मांतरण किया। तो ये सत्य है, पर वैसा सत्य जैसा केरल में है या और जगह नवजात के विषय, वैसा सत्य क्या इस घटनाक्रम में है, इसकी जांच की जाएगी सर। और ये सत्य बहुत धीरे धीरे, यदि ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि बहुत धीरे धीरे काम किया था और बख्शा नहीं जाएगा, तो उसकी इसीलिए कहा जाता है। एक सवाल जरूर उठता है जो विपक्ष बार बार उठाता है पंकज जी, वो ये कि भाई अगर ये सब चीजें हो रही है तो ये नाकामी किसकी है भाई? नहीं, प्रशांत जी, नाकामी का विषय नहीं जी। सर देखिए, प्रशांत जी, नाकामी का विषय नहीं, मैं कांग्रेस के राज्यों की तुलना कर ही नहीं रहा सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि कोई बड़ी वारदात मध्य प्रदेश में आतंकी हुई हो, कोई आतंकियों का मॉड्यूल डेवलप हो गया, हमने उनको पनपने के पहले पकड़ लिया, और जहां जहां इस प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया है, किसने पकड़ा? ATS मध्य प्रदेश पुलिस ने। चल इसी लाइन को मैं भूपेन जी के पास लेके जाऊंगा। भूपेन जी, अगर मामले सामने आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है दूसरे राज्यों से नहीं आ रहा, तो यहाँ एक्टिव ज्यादा है, जो एजेंसियां हैं वो लगातार एक्टिव हैं, मामले और समय रहते उनको शॉर्ट आउट भी किया जा रहा है। भूपेन जी, जो कौन कहां से आता है कहां से नहीं आता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हर राज्य का अपना एक इंटेलिजेंस स्टाफ होता है, एक जो है पूरा नेटवर्क होता है, एक पूरा जो है उनका सिस्टम होता है। वो नेटवर्क कहाँ है, किसने दे दिया, किसने इनपुट दे दिए, यहाँ पर नक्सलियों के हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी वो किसने पकड़ी थी, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ी थी, जिसको सिंगम सिंगम करते हैं, जो यहाँ पर हथियारों की फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं वो कोई जो है मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़ रही है, या जो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं वो क्या मध्य प्रदेश की पुलिस उसमें खड़ी दिखाई देती है, सिंगम सिंगम तो करते हो। ये सवाल इससे बड़ा है जी। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे भाजपा के मित्र के, धीरे 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 ये सब चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें बहुत तेज़ी से हो जाती हैं, फिर उन्हें छुपाना पड़ता है। ध्रुव सक्सेना भी धीरे धीरे पाकिस्तान के आदमी बन गए थे क्या, आपके दफ्तर में बैठ के? बलराम सिंह कौन था, ये भी तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, देश के खिलाफ काम कर रहे थे, आप ही की सरकार ने पकड़ा, किसी और की सरकार ने नहीं पकड़ा, तो उसमें भी बाहर से आए थे इनपुट, बांग्लादेश तक पैसा जाता था, उस पर तो जो है उसको छुपाए छुपाए फिरते हैं, आपके सारे नेताओं के आसपास जो है वो घूमता था। ये जो सफाई है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, बिल्कुल टापू है, वो टापू रहना चाहिए। ये बड़े बड़े नाम लेके केवल लोगों में जो है एक डिवीज़न की भावना पैदा करना, सिमी पर तो हमने प्रतिबंध लगाया था, और सिमी को आम माफी में तो शिवराज जी की सरकार ने छोड़ा, उनके आतंकवादियों को जिन्हें आतंकवादी कहते हैं, और जो है तीन बार उन्होंने जेल तोड़ी और आप ही के राज में तोड़ी, और जो है आपके नेताओं ने ही उनके खिलाफ जो है जो बयान देने वाले थे वो लोग होस्टाइल हो गए। मेरे पास नाम है, आप चाहें तो दे देंगे, लेकिन इस तरह की बातें करना और टारगेट करने की कोशिश करना एक घिनौनी राजनीति के लिए कि हमें वोट मिल जाए, इसके लिए वातावरण को ख़त्म करना, नष्ट करना, उसको जो है दूषित करना, ये उचित बात नहीं कही जा सकती। बिल्कुल जांच हो, दोषी पाए जाएं तो सजा भी हो, उनको कोई नहीं बचा रहा है और ना कोई बचाना चाहता है, लेकिन जो है न्याय की बात हमेशा करनी चाहिए, मानवता की बात हमेशा करनी चाहिए। और जो है जरा ध्रुव सक्सेना की भी निंदा करो, वो तो आपके बगल बच्चा था और जो है पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था पैसे लेके, वो भी तो जो उसमें हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करते, करिए, खुशी से करिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, मगर उसमें शर्म आती है करने में। ठीक है पंकज जी, इस पर एक जल्दी रिएक्शन छोटा। देखिए, जो लोग वोट की राजनीति करते हैं उन लोगों ने कर्नाटक के चुनाव में 4% आरक्षण धर्म के आधार पर देने की बात करी, उन लोगों ने PFI संगठन की तुलना उसके साथ करी। ध्रुव सक्सेना PFI का था क्या? सब जानते हैं ध्रुव सक्सेना PFI में था कि बांग्लादेशी ध्रुव सक्सेना PFI में था, अधिकारियों ने पकड़ी और उन अधिकारियों को ध्रुव सक्सेना PFI में था क्या? तो जो ध्रुव सक्सेना किस पार्टी में था? 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 बड़ा सवाल यह है, ध्रुव सक्सेना किस पार्टी में था?
ध्रुव सक्सेना किस पार्टी में था? ध्रुव सक्सेना किस पार्टी में था? इनका काम ध्रुव सक्सेना किस पार्टी में था बताइए? ध्रुव सक्सेना किस पार्टी का नेता था बताइए? ध्रुव सक्सेना किस पार्टी में था? पंकज जी भूपेंद्र जी, सक्सेना किस पार्टी में था? हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए पंकज जी भूपेंद्र जी, आदमियों को पालते हो? माफी के साथ आप दोनों को इंटरप्ट करूंगा भूपेंद्र जी, पंकज जी इंटरप्ट करूंगा आप दोनों को। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम समाज से मौलाना गाजी अब्दुस समद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साहब, ये एक और दरअसल दमोह में मसला सामने आया है जहां छात्राओं को हिजाब पहनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्कार्फ है। थोड़ा सा सबसे पहले हमारे दर्शकों को हिजाब और स्कार्फ में फर्क जरूर समझाइए ताकि दर्शक समझ सके वाकई ये है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, अभी आपने कहा कि हिजाब पहनाया जा रहा है, दरअसल वो स्कार्फ है, वो स्कूल की एक ड्रेस है, उन्होंने अपने स्कूल की पहचान के लिए एक अलग चिन्हित वो करा है। हिजाब एक अलग, हिजाब एक कॉन्सेप्ट भी अलग है। हिजाब का मकसद ये नहीं है खाली कपड़ा यहाँ तक ये लगा लेना या यहाँ लगा लेना। हिजाब तो असल है हया का, मतलब जो जितनी हया करे। हम आप लोगों ने देखा हो, हमारे दूसरे और मुस्लिम लोग जो है वो इतनी ढकते हैं, पुरानी औरतें आंखें तक ढकती थी। हिजाब का इससे अव्वल तो कोई ताल्लुक ही नहीं। और जो ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन और इस टाइप से, वो बच्ची का भी बयान हमने सुना और उसके वालिदैन का भी सुना और उसके स्कूल के जो जिम्मेदार हैं हमने उनका भी बयान सुना और हत्ता के हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, हमारे जो कानून के मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, उनका खुद का बयान आया। उसके बावजूद ये प्रोपोगंडे और ये शुकशुकाइयाँ जो छोड़ी जा रही हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? इस पर कब शिकंजे कसे जाएंगे, कब लगेगा आवाम? मौलाना गाजी साहब, ठीक है, आपने आपने बताया हिजाब, लेकिन स्कार्फ का भी जो संचालक है वो बता रहे कि भाई वो पहनते हैं और कमर तक आता है लगभग और शरीर को ढकता है, तो फिर फर्क क्या हुआ इसमें? नाम बदल दिया या नाम आपने कोई और दूसरा ले लिया? नहीं नहीं, नाम हमने नहीं लिया, ये लोगों ने नाम रख दिए हैं। कोई स्कार्फ का है, स्कार्फ तो नॉर्मली एक रुमाल के लिए भी अमूमन इस्तेमाल करते हैं। जी जी बिल्कुल। अब वो देखिए, उन्होंने कितना बड़ा करा है, कितना छोटा करा है, वो तो उनके स्कूल प्रबंधक बताएंगे कि उन्होंने क्यों बड़ा करा है, क्यों छोटा करा है। और ये बिल्कुल एक उन्होंने सोचा होगा कि भाई एक नई चीज हो जाएगी हमारे स्कूल की पहचान। हर एक स्कूल की ड्रेस नॉर्मली होती है, उन्होंने ये कर दी, उन्होंने कहीं पर्दा करवाया हो, कहीं लाजमी करा मुंह ढकना। असल तो जो है इस्लाम की जो मेन है वो मुंह बिल्कुल ढकना, आंखें ढकना, इस पे कहीं सख्ती करी, ऐसी कोई बात ही नहीं आई। तो उन्होंने अपनी पहचान के लिए, अब जैसे यही पगड़ी रुमाल बाजे हिंदू धर्म गुरु भी मानते हैं, अब इसका मतलब क्या? चैतन्य जी के पास जाऊंगा मैं। चैतन्य जी, संभव है अब जांच हो रही है, कमेटी भी बना दी गई है, जरूर तस्वीर साफ हो, लेकिन क्या वाकई ऐसी गुंजाइश होती है कि भाई स्लो पॉइजन धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चला और शरीर में जहर फैल गया? नहीं नहीं, होता है, देखिए होता है, जो थोड़ा कमजोर दिमाग का व्यक्ति होता है उसको इस तरह से किया जाता है कि वो धीरे 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 धीरे, और ऐसे बहुत से मामले आए भी हैं सामने, ऐसा नहीं है। अभी तो आप जैसे पंकज चतुर्वेदी फिल्म के बारे में भी बताए थे, 3-4 लड़कियों के उसमें बयान भी है, ये बात अलग है कि उसमें काफी संख्या बताई गई थी, बाद में उसका स्पष्टीकरण दिया गया कि नहीं कम संख्या है वो, तो ऐसा होता है। हमारे पास भी अगर एक कहावत है ना कि 100 बार अगर किसी बात को झूठ को कहा जाए तो वो सच साबित हो जाता है, तो धीरे 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 अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, क्योंकि उनका बड़ा कोमल दिमाग होता है। अब उसमें यह देखना जरूरी होगा कि वो बच्चियां जो थी वो किस क्लास की थी, वो हिजाब का और स्कार्फ का अर्थ समझती हैं कि नहीं समझती हैं। दूसरा, जो अभी मौलाना जी ने कहा कि जो हिजाब का अर्थ होता है वो होता है कि पूरा चेहरा ढकरा रहना चाहिए, इवन आंखें भी लगभग लगभग ढकी रहती हैं। तो अगर इस तरह का छोटा सा आप कह सकते हैं स्कार्फ को हिजाब का, माफी चाहूंगा चैतन्य जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा, सभी को इंतजार रहेगा कि मामले की जांच हो, जी जी, और जल्दी जांच हो ताकि तस्वीर साफ हो। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चैतन्य भट्ट साहब, पंकज चतुर्वेदी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, मौलाना गाजी साहब, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।